अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयरन करने वाले हैं। तो आयरन के सबसे पहले आरडीए वैल्यूज़ मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट वीडियो में, कि आयरन और विटामिन की आरडीए वैल्यूज़ आप कोई स्टिकी नोट बनाकर या मिरर के साथ अटैच कर लें, जब आप उठें आपकी उस पर नज़र पड़े तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगी आरडीए वैल्यूज़ और सोर्सेज जो हैं, इनको स्टिकी नोट से कहीं अटैच कर लें। चलें, आयरन की आरडीए वैल्यू 8 से 18 mg है। ओके, एडल्ट बॉडी 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन होता है। अब हम मूव कर रहे हैं, हम बेसिकली आयरन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, किस तरह से अब्जॉर्ब होता है बॉडी में, इसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है और डिजीज स्टेट्स इसकी कौन कौन सी हैं, म्यूकोसा ब्लॉक थ्योरी को देखेंगे और ये बॉडी में क्या फंक्शन करता है इसको देखेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ क्लिनिकल साइड पर जाएंगे कि हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी आयरन की और किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन में आयरन रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, आयरन जो है ये कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स के तौर पे भी होता है, प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेज में एज अ कोफैक्टर के तौर पे ये काम कर रहा है। इसके अलावा मशहूर ज़माना हीमोग्लोबिन, वो तो है ही ना, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, और मायोग्लोबिन में होता है, साइटोक्रोम में होता है। आयरन का जो बेसिक रोल है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो मिनरल्स का टॉपिक स्टार्ट करने से भी पहले आपको पता होना चाहिए, और ये कि आयरन हीमोग्लोबिन में इस प्रोस्टेटिक ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन का प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है हीम, उसका उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन ज़रूरी है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। तो जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो बेसिकली आयरन का काम है कि वो इस ऑक्सीजन को पकड़ के सारे टिश्यूज तक लेके जाए। तो और अगर आयरन कम होगा बॉडी में तो क्या होगा कि एनीमिया हो जाएगा रेड ब्लड सेल में। हीमोग्लोबिन जो है ये हमारी बॉडी में फ्रीली नहीं परी हुई, रेड ब्लड सेल में पैक होती है। तो जो खून होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसमें एच बी परी हुई है, एच बी को आयरन चाहिए। अगर आयरन नहीं होगा तो एच बी नहीं बनेगी, एच बी नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, आप एनीमिया के कंडीशन देखेंगे। तो हम इसको देखेंगे, तो आयरन की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है, वैसे अक्सर ये एनीमिया देखा जाता है। तो मायोग्लोबिन में भी बेसिकली जो हीमोग्लोबिन में भी हीम होता है जिसमें आयरन है, और मायोग्लोबिन में भी प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होता है, साइटोक्रोम्स में भी हीम होता है। तो इस तरह से आयरन बहुत सारी प्रोटीन्स का कंपोनेंट भी है। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें कि हमें सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, एनिमल सोर्सेज जब आप खाएंगे यानी कि मीट वगैरह और पोल्ट्री इस तरह से, तो उनमें फेरस मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनिमल सोर्सेज में आपको बेसिकली क्या मिलेगी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन जो भी है उनमें हीम मौजूद होगी। वो हीम मायोग्लोबिन मसल में होती है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होती है, तो ये आपको फेरस देगी। और प्लांट सोर्सेज से जब भी आप आयरन ले रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, Fe3+। ठीक, अब जो हीम है ये ज़्यादा जो है ना इजी Fe2+ ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको Fe3+ इतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता। आपको इसे एब्जॉर्ब करने के लिए पहले Fe2+ में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी हम इसकी एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। और जो सोर्सेज हैं इसमें, आप इसको यूं याद रख सकते हैं किसी भी इजी निमोनी के तौर पे, कि रेड एंड ग्रीन कलर की जो चीज़ें हैं उनमें आयरन प्रेजेंट हो सकता है। रेड में मीट आ जाता है, पोल्ट्री और ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ग्रीन में आपके पास पालक साग थोड़ा सा, ठीक है। तो ये याद रखने का इजी सोर्स है, बिकॉज आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हो, आप इसलिए याद कर रहे हो कि आपने एक अच्छा डॉक्टर बन के आगे क्लिनिकल प्रेजेंट वार्ड में जाके अपने पेशेंट को डायग्नोज करना होता है। तो ये एक इस तरह से छोटे छोटे निमोनिक्स अगर आप बना लोगे तो इजी रहेगा। अच्छा, आयरन जो है ये हमारी बॉडी में सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होता है, यानी अगर आपने 100 जितना भी आयरन लिया ना, लेट्स से आपने 100 मॉलिक्यूल्स आयरन के लिए, तो आपके जो इंटेस्टाइन में जाएंगे सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होंगे, बाकी के 90% एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिए। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अभी हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं आगे। एब्जॉर्प्शन आयरन की कहाँ होती है, ड्यूडेनम और जेजुनम में होती है, ठीक है। और आयरन हमारी बॉडी में अभी हमने देखा रेड ब्लड सेल में इसका क्या काम होता है, आयरन जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म आयरन की वो फेरेटिन है, टिश्यूज में फेरेटिन के साथ जो है ना स्टोर होता है। फेरेटिन का एक मॉलिक्यूल 4000 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन को स्टोर कर सकता है, तो ये स्टोर में भरा हुआ है। जब इसने आगे प्लाज्मा में जाना होता है, गर्दिश करना होता है, घूमता है, तो ट्रांसफरिन के साथ घूमता है, और फिर वापस आकर जब स्टोर करना होता है तो फेरेटिन में हो जाता है। अब हम देखते हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अभी हमने छोटा सा स्टमक बनाया है, आप आयरन ले रहे हैं, ठीक है, आपके माउथ, आपने कोई भी ऐसी डाइट ली जो आयरन कंटेनिंग थी, ठीक है, वो आपके पास स्टमक में आई और ये ड्यूडेनम और जेजुनम में आपके पास आ गई, ठीक है।
डेडे नंबर जेजेनम में क्या होता है, आपके पास आयरन आया, अब ये आयरन आपने अगर Fe3+ लिया यानी कि प्लांट सोर्स से आयरन था, तो पहले तो इसे ये इंटेस्टाइन का हमने एक सेल ड्रॉ किया है कि किस तरह से ये अब्जॉर्ब करेगा। था एक तो मॉलिक्यूल आपके पास इसकी एपिकल सरफेस पे होगा, फेरी रिडक्टेज, फेरी रिडक्टेज, रिडक्टेज रिडक्शन करने वाला, आयरन की रिडक्शन करने वाला, इसमें इसकी रिडक्शन करेगा, ये 3+ है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देगा, जब ये Fe3+ इधर आएगा तो Fe2+ बन जाएगा। अब ये इजीली अब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे हमने पहले बात की Fe2+ को अब्जॉर्ब करते हैं जबकि Fe3+ अब्जॉर्ब नहीं होता, ये स्टोर्ड फॉर्म होती है Fe3+, इसमें स्टोर किया जा सकता है लेकिन अब्जॉर्ब नहीं होता। और फेरी रिडक्टेज जो है इसको वाइटामिन सी की ज़रूरत होती है, ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम साथ साथ ही करते जाएं तो वाइटामिन सी, अगर जब भी आप कहते हैं अगर एनीमिया का पेशेंट हो तो उससे अक्सर डॉक्टर वाइटामिन सी भी प्रेस्क्राइब करते हैं, साथ देते हैं, क्योंकि वाइटामिन सी इसकी एब्जॉर्प्शन को बेटर करता है। अगर वाइटामिन सी भी आप लोगे तो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो इन Fe3+ जो कि ईजिली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा था उसे Fe2+ में कन्वर्ट करता है। सो वाइटामिन सी इज प्रेस्क्राइब, ये क्लिनिकल्स में भी अक्सर आता है कि कौन सा वाइटामिन आयरन के अब्जॉर्प्शन को बेटर कर सकता है। अब ये Fe2+ में अब्जॉर्ब हो गया, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, अब उसके बाद एक चैनल होता है यहाँ पे DMT1, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, ये इस Fe2+ को भी सेल के अंदर ले आएगा और H+ को भी अंदर लेके आता है, ठीक है, ये डाइवेलेंट, ठीक है, मेटल, दो मेटल ट्रांसफर करता है, Fe2+ भी H+ भी, और कहीं कुछ को टेक्स्ट में कैल्शियम का भी नाम आता है कि आयरन के साथ कैल्शियम भी अंदर मूव करता है। चलें, ये आयरन आ गया, अब ये था प्लांट सोर्सेज से जो आपने आयरन लिया था। अगर आप एनिमल सोर्सेज से आयरन लेते हैं तो हम पहले बात कर चुके हैं वो क्या हीमोग्लोबिन है जैसे, तो हीमोग्लोबिन का जब ब्रेक होगी सारा कुछ, ठीक है, तो ये जो आयरन देगी ना ये Fe2+ आयरन देगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है हीम कैरियर प्रोटीन HCP, ये हीमोग्लोबिन का जो हीम है उसको अंदर लेके आएगी और उसका Fe2+ रिलीज करवा देगी, ठीक है। अब ये जो Fe2+ आपने सेल के अंदर ले आए हैं, अब या तो इसे स्टोर कर लिया जाएगा फेरेटिन के फॉर्म में, ठीक है, टिश्यूज में जो स्टोर्ड फॉर्म होती है आयरन की वो फेरेटिन है, आयरन मिल गया सेल अब स्टोर कर लेगा, अब या तो, और जब सेल को ज़रूरत होगी बॉडी को तो ये फेरेटिन जो है जो खजाना है जो जहाँ जमा किया हुआ आयरन ये तोड़ के तो सारे मतलब इसको ब्रेक किया जाएगा और आयरन दिया जाएगा। अभी हमने देखा आयरन फेरेटिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन का स्टोर करता है, 4000 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन अप्रॉक्सीमेटली 4500 तक। तो अब ये फेरेटिन में जो आयरन स्टोर होता है वो Fe3+ होता है, एब्जॉर्ब करने के लिए Fe2+ में कन्वर्ट होता है और फिर स्टोर Fe3+ में होता है। अब ये आयरन ये हमारे पास दोबारा बेजो लेटरल सर्फेस पे फेरोपोर्टिन चैनल प्रेजेंट होता है। अब जब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को आयरन की ज़रूरत है, उसने रेड ब्लड सेल बनाने, उसने हीमोग्लोबिन बनाना है, उसे आयरन चाहिए, उसे हीम चाहिए, हीम के लिए आयरन चाहिए होता है ना, तो अब ये आयरन आएगा हमारी सर्कुलेशन में, तो ये फेरोपोर्टिन से रिलीज होगा और अब इसको कन्वर्ट करेगा Fe2+ वाला जो आयरन था आपका, ये Fe3+ में कन्वर्ट करेगी हिफेस्टिन, एक और यहाँ पे प्रोटीन होती है बेजल सरफेस पे हिफेस्टिन, ठीक है, ये कन्वर्ट करती है फेरी ऑक्सीडेज है, ठीक है, ये Fe2+ को जो बाहर आया था, हमने Fe2+ जो एब्जॉर्ब किया था, Fe2+ जो बाहर आ गया आपका, ठीक है, तो इस Fe2+ को ये Fe3+ में कन्वर्ट करेगी हिफेस्टिन, ये फेरी ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडेशन करवाएगी। और ये फेरिटिन आपका क्या हुआ सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है, ये आपके RBC पर हुए, ये आपका सर्कुलेशन में आ गया। सर्कुलेशन में यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन होती है एपोट्रांसफरिन, एपोट्रांसफरिन, ठीक है, ये ट्रांसफरिन जो है ना ये दोस्त आयरन की इस, ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर बैठ के आयरन ने बॉडी में घूमना है और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे जाना है, तो अपने मंजिल तक जाने के लिए वो इस गाड़ी को बुलाता है। और एपोट्रांसफरिन के साथ दो आयरन के एपोट्रांसफरिन दो आयरन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकते हैं Fe3+, ये चीज़ याद रखिएगा, आयरन को अगर एब्जॉर्ब करना है तो Fe2+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर उसे ट्रांसफ़र करना है तो Fe3+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट हमेशा Fe3+ की फॉर्म में होगी, ओके। तो ये आपकी प्रोटीन है ट्रांसफरिन, अब ठीक है, ट्रांसफरिन विदाउट आयरन एपोट्रांसफरिन आपने बोल रहे थे, और आयरन के अटैच होने के बाद ट्रांसफरिन, अब ये ट्रांसफरिन सर्कुलेट होगी जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत थी वहाँ जाएगी, आयरन को फिर अब आगे लीवर में भेजा जाएगा, स्प्लीन में भेजा जाएगा, ये अपना जहाँ काम था वो करेगी, या ये बोन में जाएगी इरेथ्रोपोइसिस के लिए,
बोन मैरो में रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन वगैरह करवाने के लिए और आरबीसीस बनाने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। तो आयरन अपने फेट्स तक पहुंच जाएगा इस तरह से। तो अब लीवर, अब हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे देख लीजिए कि हाउ आयरन इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब ये आयरन आ गया, आपने देखा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, वो विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो उस रिडक्शन कर रहा था, DMT1 से अंदर आया, फिर फेरिटिन में स्टोर हो गया, जब बॉडी में ज़रूरत पड़ी फेरोपोर्टिन और फैस्टिन इसे सर्कुलेशन में भेजा, ट्रांसफेरिन इसे ट्रांसपोर्ट करके इसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दिया। और अब हम देखेंगे कि जब ये अपने मंजिल मकसूद तक आता है तो ये किस तरह से एब्जॉर्ब होता है। तो ये आपके पास डी एक सेल है, ठीक है, और ये सेल की आउटर सरफेस है, ये ट्रांसफेरिन आ रहा है, ट्रांसफेरिन ने दो Fe3+ बाइंड किए हुए हैं, ये अपने गाड़ी तक पहुंच रहा है। अब इसका इस्तकबाल कैसे होगा? अब ये जो सेल है ये इसका वेलकम करने के लिए बाहर एक इसने रिसेप्टर रखा होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। जब ये ट्रांसफेरिन यहाँ आएगा तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को फौरन से पता चल जाएगा कि ट्रांसफेरिन आयरन को लेके आया, ये इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। ये ट्रांसफेरिन ने Fe3+ कंटेनिंग ट्रांसफेरिन जो Fe3+ जिसके पास था उसने उसे बाइंड कर लिया ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ने। एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सारा कॉम्प्लेक्स अंदर आएगा, ठीक है, जैसे आपको पता है। अब ये और वेजिकल के अंदर, अब ये आपके पास अंदर आ गया रिसेप्टर, ठीक है, जिसके साथ ट्रांसफेरिन और आयरन के दो मॉलिक्यूल्स बाइंड हैं। सेल के अंदर ट्रांसफेरिन विद आयरन आ चुका है। अब सेल क्या करेगा, उसे तो सेल के बाहर चाहिए ना, साइटोप्लाज्म चाहिए आयरन, तो सेल क्या करता है ये एच पॉजिटिव जो है वो सेल के अंदर डालना शुरू कर देता है। अब इससे पीएच कम होती है और DMT1 जो रिसेप्टर था जो हमने यहाँ पर था DMT1, ये क्या करता है डाइवेलेंट मेटल एंड ट्रांसपोर्टर जो आयरन को और एच पॉजिटिव को सेल के अंदर लेके आ रहा था वही रिसेप्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होगा और फिर ये जो आयरन है ये आयरन और जो एच पॉजिटिव अंदर गया था ये एच पॉजिटिव भी बाहर आएगा। तो ये इसलिए भेजा था एच पॉजिटिव इन्होंने अंदर कि आपका आयरन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाए। अब ये आपके पास इसके बाद क्या होगा, आयरन बाहर निकल गया, ये ट्रांसफेरिन इधर परा हुआ है और ये रिसेप्टर भी परा हुआ है, वेजिकल वैसे ही है, ये रिसेप्टर फिर मूव करता है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर जो है ट्रांसफेरिन को बाहर निकाल देता है वापस, यानी कि जो आपका रिसेप्टर है वो रिसाइकल हो जाता है। तो मेन पॉइंट ये था कि जो भी आपका ये सेल के अंदर कैसे जाता है कि जब भी आपका ट्रांसफेरिन बाउंड विद आयरन आएगा सेल के पास रिसेप्टर होगा, सेल इसे एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर लेके जाएगा, DMT1 रिसेप्टर वहाँ पे एक्सप्रेस होगा, वो आयरन और एच पॉजिटिव जो है वो सेल के अंदर आ गए। अब जो ये रिसेप्टर है पीएच को कम करके एच पॉजिटिव ज़्यादा किया था बेसिकल में, तो फिर ये हुआ था। फिर उसके बाद ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो है वो दोबारा रिसाइकल हो जाता है, ये ट्रांसफेरिन वापस आ गया सर्कुलेशन में। अब इस ट्रांसफेरिन ने फिर दोबारा से प्लाज्मा में रहना है, जब दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये गाड़ी दोबारा काम करेगी, बिल्कुल एक गाड़ी के तौर पर काम कर रहा है, इसने आयरन को अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया और इस तरह, ठीक है, सारा अपना पर्पस कर रहा है। अब ये हो गई आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब हम चलते हैं कि आयरन को रेगुलेट कैसे किया जाता है और इसकी डिजीज स्टेट्स क्या हैं। तो मेजर रोल जो है ना वो लीवर में होता है हेप्सिडिन, तो हेप्सिडिन प्ले करती है रोल ऑफ हेप्सिडिन बहुत ज़्यादा, ये मास्टर रेगुलेटर है आयरन की रेगुलेशन में, तो ये प्रिवेंट करते हैंप्सिडिन। लाइक हमारे पास यहाँ पे HFE जीन होती है लीवर में, HFE जीन, ये HFE जीन क्या करती है, ये हेप्सिडिन बनाती है। हेप्सिडिन ये क्या करेगा, ये जो फेरोपोर्टिन चैनल थे जो आयरन को अंदर लेके, ठीक है, ये वाले चैनल्स थे, ठीक है, ये इसका काम है आयरन को प्रिवेंट करना एब्जॉर्प्शन से। ये एक तो इधर जाके भी आपके पास ब्लॉक करेगा, ठीक है, स्टमक से जहाँ से आप आयरन एब्जॉर्ब कर रहे थे, इसके अलावा भी ये आयरन की जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड में वो कम करेगा। तो ये इसका क्या काम है, आयरन की प्रिवेंट, आयरन टू रिलीज इन सर्कुलेशन, ठीक है, और फेरोपोर्टिन चैनल को रोकता है। ये जो हमने अभी पढ़ा कि फेरोपोर्टिन चैनल काम कर रहा था, फेरोपोर्टिन काम करता था तो ये आयरन जो है वो सर्कुलेशन में आता था, हेप्सिडिन इस चैनल को ब्लॉक कर देता है तो अब ये आयरन सर्कुलेशन में नहीं आ पाता। और दूसरा ये आप जो इसकी एब्जॉर्प्शन आयरन की उसे भी कम करता है। ये एक्टिव कब होता है, जब प्लाज्मा में आयरन बाउंड विद ट्रांसफेरिन ज़्यादा, यानी कि आयरन अगर यानी कि बॉडी में आयरन स्टोर ज़्यादा हो गया ना तो इसका मतलब अब हमें आयरन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर बॉडी हेप्सिडिन बनाती है और हेप्सिडिन जो है वो आपको जाके आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है ये कम कर देता है कि अब आयरन की ज़रूरत नहीं, अब तुम बस कर दो। इंटरल्यूकिन 6 भी
हेप्सिडिन को एक्टिवेट करता है, और लाइपोपोलीसेकेराइड्स जो कि बैक्टीरिया से काम कर रहे थे, ठीक है, बैक्टीरिया कि मेम्ब्रेन को डैमेज करके आपको मिले थे, वो भी हेप्सिडिन को एक्टिवेट करवाते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी होती है, ये एक वर्ड होता है, इसको देख लें, न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी। हमारी बॉडी क्या करती है, जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया तो इस तरह की चीज़ें आ जाती है ना, तो उनको न्यूट्रिएंट्स कम प्रोवाइड करती है ताकि वो बगैर खुराक के मर जाएं। तो लाइपोपोलीसेकेराइड भी जब बॉडी में आएगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया मेम्ब्रेन से, तो बॉडी डिटेक्ट करेगी और हेप्सिडिन को एक्टिव कर देगी ताकि वो आयरन जो है वो कम जो है एब्जॉर्ब करे, और ये बगैर न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट्स के मर जाएं। इस तरह से न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी में और भी पॉइंट्स आते हैं, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि लाइपोपोलीसेकेराइड और हेप्सिडिन का काम आयरन कम करके। अच्छा, क्या होता है, ये जो हेप्सिडिन है इसे कौन बना रही थी, HFE जीन, ठीक है, जीन होती है प्रोटीन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पर प्रोटीन बनती है। तो ये जीन जो है ये हेप्सिडिन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर इस जीन का कोई डिफेक्ट आ जाता है या इसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है तो हेप्सिडिन नहीं बनेगा, हेप्सिडिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हेरिडिटी हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस होता है आयरन ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में, आयरन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों आयरन ज़्यादा होगा, क्योंकि हेप्सिडिन कम है। हेप्सिडिन का क्या काम था, ये आयरन को कम करती थी बॉडी में, और ये इनहिबिट करती थी आयरन की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से, और आयरन को कम करती थी। जब हेप्सिडिन नहीं होगा, आयरन कम नहीं होगा बल्कि उल्टा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन जो है इसका हमने पढ़ा, आयरन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनीमिया इन सब काम में भी काम कर रहा होता है। तो अगर तो आयरन जो है ये ज़्यादा होगा तो ये फेंटन्स रिएक्शन जो है ना, आयरन का ज़्यादा होना हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आयरन फेंटन्स रिएक्शन करते हैं, फ्री आयरन जो है वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फ्री आयरन हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, डिजास्टर है, सेल्स को डैमेज करेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अब ब्रोंस और इसके अलावा हेरिडिटी हीमोक्रोमाटोसिस से ब्रोंस डायबिटीज़ भी हो जाती है, यानी ये सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया या सेकेंडरी डायबिटीज़ है, जो किसी और रीज़न की वजह से होना तो हम इसे सेकेंडरी कॉज बोलते हैं। अब डायबिटीज़ नॉर्मली जो पेशेंट में डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन कम था, डायबिटीज़ होगी किसी भी रीजन से, लेकिन आयरन के ओवरलोड की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। क्यों, क्योंकि आयरन का स्टोर बेसिकली कहाँ पे होता था, लीवर में, पेंक्रियाज में, अभी हमने देखा स्प्लीन में हो रहा था। तो अगर आयरन का स्टोर बहुत ज़्यादा हो गया, आयरन पिगमेंटेशन हीमोसिड्रिन बनाता है, वो आयरन का स्टोर जो है, अब हीमोसिड्रिन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया और लीवर में स्टोर है, तो लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, पेंक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो जो पेंक्रियाज इंसुलिन बना रहा था, जो सारा वो काम कर रहा था, वो नहीं बनेगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज कम नहीं होगा बॉडी में, उल्टा ज़्यादा होगा, तो इसे अब कहते हैं ब्रोंस डायबिटीज़। तो इस तरह से हेरिडिटी हीमोक्रोमाटोसिस से ब्रोंस डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि अब ब्रोंस डायबिटीज़ आपको ये भी मतलब और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी दे सकते हैं, दूसरी तरह भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अब आप हीमोक्रोमाटोसिस को ठीक कर दो तो इसकी वजह से लीवर डैमेज हुआ था डायबिटीज़ और पेंक्रियास डैमेज हुआ था डायबिटीज़ हुई थी ब्रोंस डायबिटीज़, तो अगर हीमोक्रोमाटोसिस को ठीक कर दो तो ये डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है? तो येस, किया जा सकता है अगर डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो परमानेंट डैमेज अगर हो चुका है तो फिर नहीं होता, हीमोक्रोमाटोसिस को ठीक करने से इस कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता। क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको हीमोक्रोमाटोसिस में क्या मिलती है, एक तो सीरम में आपको आयरन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ट्रांसफरिन सेचुरेशन मिलेगी, ट्रांसफरिन जिसने आयरन को बाउंड करना था वो ट्रांसफरिन गाड़ी जो है, यानी आप यूँ समझ लें कि ये गाड़ी है, ठीक है, जिसमें दो सीटें थी, ठीक है, दो आयरन के बाइंड कर सकता था, तो ये गाड़ी भर चुकी है लेकिन तीन बंदे पड़े हुए हैं, तो वो तीन में से दो बैठ देंगे, एक बाइट पड़ा रहेगा। तो ट्रांसफरिन सेचुरेट हो चुके हैं मुकम्मल, गाड़ी पूरी सेचुरेट हो चुकी है, लेकिन सीरम का जो आयरन है वो ज़्यादा है, और ये हेप्सिडिन का काम जो है वो सारा आपने देखा। अच्छा, डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, डेफिशिएंसी हो तो एनीमिया हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन जो है जिसको आयरन चाहिए था उसे आयरन नहीं मिलेगा, उससे आयरन नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं ऑक्सीजन को बाइंड करना था और यही टिश्यूज़ के पास लेके जा रही थी, तो ये ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगी, तो HB का कम होना जो है एनीमिया हम कहेंगे। माइक्रोसिटिक RBCs आपको देखने में मिलेंगे, उसके नॉर्मल साइज से छोटे होंगे, हाइपोक्रोमिक होंगे, उनमें HB भी कम होगा, एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी क्या होती है, आयरन जो है ये वो बाहरी न्यूट्रिएंट है जिसे उसकी एब्जॉर्प्शन से कंट्रोल किया जाता है, एक्सक्रीशन से नहीं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। होता क्या, अगर आयरन के स्टोर लेस होंगे ना बॉडी में, यानी कि फेरेटिन और हेप्सिडिन कम है बॉडी में, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी,
और अगर आयरन के स्टोर ज़्यादा है ना बॉडी में, तो बॉडी यानी कि बॉडी में अगर वाफर मुकदार में पड़ा हुआ है ना आयरन, तो बॉडी क्या करेगी, उसकी एब्जॉर्प्शन कम कर देगी, यानी एक्सक्रीशन को अफेक्ट नहीं करती बल्कि एब्जॉर्प्शन से जो है ना आयरन को रेगुलेट किया जाता है बॉडी में। दिस इज म्यूकोज ऑफ ब्लॉक थ्योरी। और यही आप पढ़ते हैं जब आप कहते हैं आयरन इज अ वन वे सब्सटेंस, क्यों, क्योंकि जब बॉडी में इसकी एक्सक्रीशन से इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, एब्जॉर्प्शन से कंट्रोल किया जाता है। अब अगर बॉडी में फॉर एग्जांपल इसकी नीड भर जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में इसकी नीड भर जाती है, चाइल्ड्स में इसकी नीड भर जाती है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी आप आयरन जो है वो वुमेंस में ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, तो इन सब चीज़ों में इसमें आयरन ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन आयरन की इस वजह से आयरन को रेगुलेट नहीं किया जा रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आयरन को किस वजह से जो है उसकी रेगुलेट किया जा रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो आप इस वजह से कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी, चाइल्ड या मेंस्ट्रुएशन वगैरह, तो इनमें आयरन का जो है वो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो आयरन इज़ अ वन वे सब्सटेंस। आयरन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखना, आयरन को अगर एक्सक्रीट किया जाता है तो बाइल में, स्वेट में और हेयर लॉस की वजह से आयरन जो है वो बॉडी से निकल जाता है, और इट इज़ नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, तो यूरिन में आयरन का एक्सक्रीशन नहीं होता, और ये क्लिनिकल पॉइंट है और ये पूछा जाता है यहाँ पे। एमसीक्यूज अगर हम मूव करें नेक्स्ट, तो फर्स्ट एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको गौर से सुनिएगा। अ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक माइक यानी कि एच भी कम है, ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, आरबीसी का साइज भी कम है, विद आयरन स्टोर्स ओवर, आयरन ज़्यादा है ठीक है, इन दी बोन मैरो में भी, आयरन बॉडी में ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन कम है, ये किस तरह का एनीमिया है। मैं आपसे कहूँगी पोरफायरियाज वाला जो टॉपिक था उसमें इस बात को हमने डिस्कस किया था, पोरफायरिन और हीम सिंथेसिस पाथवे, उसमें निमोनिक के साथ आपको पोरफायरिया याद हो जाएगा, आप उस वीडियो को भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। तो अब ये तो आपने देखा, अब अगर तो ये दो विटामिन आपने पढ़े हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, अब ये अगर हो ना तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का साइज ज़्यादा होता है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके गए। जब हम विटामिन करेंगे तो इस बात को हम तो फिर जो है ना इम्पोर्टेंट अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अब आयरन बॉडी में ज़्यादा है और ये कम है, अगर तो आयरन रिस्पॉन्सिव होता तो आयरन बॉडी में कम होना था, उस वजह से ये होता, तो ये ऑप्शन भी गया। अब हम देखते हैं इस ऑप्शन की तरफ के पर, अब हमारे पास होता है हीम सिंथेसिस पाथवे में हमने पढ़ा था कि सक्सिनाइल को ए और ग्लाइसिन, ये दोनों मिल के एला बनाते हैं, फिर वो जाके आगे जाके हीम बनाता है, ठीक है, तो इस तरह हीम बन रहा था, फिर ये हीम जो है वो हीमोग्लोबिन और फिर वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा सब कुछ। तो ये जो पाथवे होता है ना सक्सिनाइल को ए से ग्लाइसिन, हीम सिंथेसिस जब हो रही थी यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे B6 पाइरिडॉक्सिन की ज़रूरत होती है इस पाथवे में, ठीक है, एलासिंथेज एंजाइम को, पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट को फैक्टर चाहिए होता है। तो अगर बॉडी में कोई भी ऐसी डिजीज हो जो B6 को कम करती है तो वो भी एनीमिया कॉज करती है, और इसे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, ये एनीमिया होता है बॉडी में, एच भी कम होता है लेकिन आयरन ज़्यादा होता है बॉडी में, यानी आपका सीरम का आयरन आपको ज़्यादा मिलेगा, बंदे में आयरन बहुत होगा लेकिन हीमोग्लोबिन जो है जब आप देखोगे तो वो कम है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है, तो फिर आपको तो पता चलेगा कोई पोरफायरिया से रिलेटेड सिम्टम आपको ना उसमें कोई देखने को मिलेगी। चलें, तो ये है आपके पास पाइरिडॉक्सिन रिस्पॉन्सिव, क्योंकि ये बहुत मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, सो ये पॉइंट लाजमन क्लियर कर दूँ वीडियो में। आप इसमें पोरफायरिया वाली वीडियो भी देख लीजिए, आपको उसमें भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और डिजीज़ होती है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो मेडिसिन यूज़ करते हैं ना वो B6 की डेफिशिएंसी कर देती है बॉडी में, तो उस वजह से एनीमिया हो जाता है। पार्किंसंस डिजीज़ में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो एनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि उसमें अब आपने कमेंट में सर्च करके बताना है कि वो कौन सी मेडिसिन है जो पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होती है और वह एनीमिया करती है। और रीज़न मैं बता देती हूँ कि पाइरिडॉक्सिन B6 की डेफिशिएंसी कर देती है, और जब B6 की डेफिशिएंसी होती है तो सक्सिनाइल को ऐसे ग्लाइसिन के मिलने से जो एला बन रहा था और फिर हीम बनना था, ये स्टेप जो है वो रोक देती है और हीम नहीं बनता, इस वजह से मतलब एनीमिया होता है। लेकिन उस मेडिसिन का नाम आप गूगल करके बताइएगा कमेंट्स में। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, के क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर आयरन इज़, फर्स्ट ऑप्शन है स्टोर्ड प्राइमरली इन सुप्लीन एब्जॉर्ब। अच्छा, हमने देखा था कि, चलो पहले पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन बाय ट्रांसफरिन, एब्जॉर्ब इन फेरिफॉर्म, स्टोर्ड इन बॉडी इन कॉम्बिनेशन विद फेरिटिन, एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज Fe2+।
तो अब जरा वापस आए, क्या सुप्लीन मॉलिक्यूलर आयरन स्टोर हो रही थी सुप्लीन में, तो हम वापस आके देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि सुप्लीन में जो आयरन स्टोर होती है, जहाँ पे भी ये जो आयरन आ रही थी यहाँ पे, ये इस फॉर्म में स्टोर नहीं होती कि अंदर आयरन स्टोर होती है, ये किस तरह से स्टोर होती है टिश्यू में, जब भी स्टोर होगी आयरन वो फेरेटिन के फॉर्म में होगी या हीमोसिड्रिन आयरन पिगमेंट है वो होता है। तो स्टोर आयरन ये नहीं होती कि आयरन अंदर आ गई तो अब वो जी ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भरी हुई है, ऐसे नहीं होता, बल्कि फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया कि मॉलिक्यूलर आयरन स्टोर नहीं होती, वो फेरेटिन के साथ स्टोर होती है। हमने भी पढ़ा था 4000 से 5000 तक जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, तो ये ऑप्शन गया। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन बाय ट्रांसफरिंग। अच्छा, इंटेस्टाइन में ट्रांसफरिंग की वजह से एब्जॉर्ब हुई थी? नहीं, ट्रांसफरिंग तो उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा था आयरन को, और एब्जॉर्प्शन जो है वो तो फैटी ऑक्सीडेज विटामिन सी वगैरह हेल्प कर रहा था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा, एब्जॉर्ब्ड इन फेरिक फॉर्म, तो फेरिक फॉर्म Fe3+ में एब्जॉर्ब हुआ था। हम देख लेते हैं वापस जाके, Fe3+ में एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, Fe2+ आके एब्जॉर्ब हुआ था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज आयरन, तो अभी हमने ऊपर बात की, नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, आयरन यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता, इसका बाइल से, स्वेट से, हेयर लॉस से, या जब ब्लड लॉस होता है तब आयरन का लॉस होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तो यही एक ऑप्शन बचा, नेगेटिव मार्किंग के थ्रू भी हम एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं। अब हम इस ऑप्शन को भी देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। स्टोर्ड इन बॉडी इन कॉम्बिनेशन विद फेरेटिन, तो यस, फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम और जिजनम में एब्जॉर्ब होता है, इसमें ये कन्फ्यूजिंग नहीं है, मतलब ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स आर हीमाटोइडिन, यूरोबिलिनोजन, बिलीरुबिन, हीमोसिड्रिन। बिलीरुबिन आयरन के स्टोर नहीं है, यूरोबिलिनोजन भी नहीं है, ये हीमोसिड्रिन है। चलें चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि आपको आयरन मेटाबॉलिज्म अब आगे कंफ्यूज नहीं करेगा इंशाल्लाह।